स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास 12 यूपी बोर्ड की पोएट्री का चैप्टर 6, जिसका नाम है ला बीली डैम सेंस मर्सी। ला बेली डैम सेंस मर्सी, यह फ्रेंच का एक सेंटेंस है या फ्रेंच के वर्ड्स का यूज किया गया है, जिसको इंग्लिश में ब्यूटीफुल लेडी विदाउट मर्सी कहा जाता है और हिंदी में इसे निर्दयी औरत कहेंगे। इस पोयम के राइटर हैं जॉन कीट्स। जॉन कीट्स बेहद ही रोमांटिक नेचर के थे और इनकी कृतियों में, इनकी पोयम में इनके रोमांटिक मूड का पता चलता है। अब इसके पहले कि आप पढ़ाई में लीन हो जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करें अपने मित्रों के साथ। ओ व्हाट कैन एल दी नाइट एट आर्म्स एलोन एंड पेलेली क्लैटरिंग द सीज हैज विथर्ड फ्रॉम द लेक एंड नो बर्ड्स सिंग। नाइट एट आर्म्स, अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित सरदार या अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित योद्धा। इल का अष्ट होता है बीमारी, कष्ट या परेशानी। तो यहाँ पर पोएट एक शस्त्र से सुसज्जित सरदार से पूछ रहा है, व्हाट कैन एल दी, तुम्हारा कष्ट या तुम्हारी परेशानी क्या है। शस्त्रों से सुशोभित सरदार, पोएट शस्त्रों से सुशोभित सरदार को संबोधित करके पूछ रहा है कि ये सरदार, तुम्हारी क्या परेशानी है, तुम्हारा क्या कष्ट है। एलोन एंड पेलेली लॉयटरिंग, पेलेली का अर्थ होता है पीला पड़ चुका, लॉयटरिंग का अर्थ है निरुद्देश घूमना। जो तुम अकेले और निरुद्देश घूम रहे हो, पीले होकर, कमज़ोर होकर। द सीज हैज विथर्ड फ्रॉम द लेक एंड नो बर्ड्स सिंग, सीज का अर्थ होता है झाड़ी, तो झाड़ियाँ भी सरोवर से सूख गई हैं, मतलब सरोवर ही नहीं सूखा है बल्कि झाड़ियाँ तक सूख गई हैं सरोवर की, और कोई चिड़िया भी नहीं गा रही है यहाँ पर। फिर तुम यहाँ निरुद्देश पीले पड़ चुके हो, पीले और घूम रहे हो, तो तुम्हारी क्या परेशानी है, क्या कष्ट है। ओ व्हाट कैन एल दी नाइट एट आर्म्स सो हैजार्ड एंड सो ओई बिगॉन, हैजार्ड एंड सो ओई बिगॉन का अर्थ होता है थका हुआ, खिन्न और जंगली। दूसरी पंक्तियों में, दूसरे स्टैंजा में फिर कवि पूछ रहा है कि हे सरदार, तुम इतने खिन्न, थके हुए और जंगली से क्यों दिख रहे हो, तुम्हारी क्या परेशानी है, तुम्हारा क्या कष्ट है। द स्क्वायरल्स ग्रेनरी इज फुल, ग्रेनरी का अर्थ होता है गोदाम, स्क्वायरल्स मीन्स गिलहरी, गिलहरी का गोदाम भी भर चुका है, गिलहरी ने भी अपने अनाज इकट्ठे कर लिए हैं। एंड द हार्वेस्ट इज डन, और फसलों की कटाई हो चुकी है, मतलब फसल कट के घर में आ चुकी है, हर कोई सुखी और संपन्न है। फिर तुम यहाँ पे इतने थके हुए, खिन्न से क्यों दिख रहे हो और क्यों घूम रहे हो, क्या परेशानी है तुम्हारी। आई सी ए लिली ऑन थाई ब्रो, मैं तुम्हारे माथे पर एक कुमुदनी का फूल देख रहा हूँ। ब्रो का अर्थ होता है माथा, लिली मिस कुमुदनी, मैं तुम्हारे माथे पे एक कुमुदनी देख रहा हूँ। विथ आंग्विस मोइस्ट एंड फीवर ड्यू, आंग्विस का अर्थ होता है पीड़ा, मानसिक वेदना, मोइस्ट मिस नम, फीवर ड्यू मतलब बुखार से जो
पसीने की बूंदें निकलती हैं वो उस जैसी दिखती है। तो यहाँ पे फीवर ड्यू का अर्थ है बुखार से निकलने वाला पसीना। तो जो तुम्हारे माथे पे मैं कुमुदनी देख रहा हूँ, उसके साथ साथ ही मैं देख रहा हूँ तुम्हारी मानसिक वेदना को और माथा जो नम पड़ चुका है पसीने की बूंदों से, पसीने की बूंदों से। एंड ऑन दाई चिक्स ए फेडिंग रोज फास्ट विथ रेट टू, फेडिंग रोज मुरझाता हुआ गुलाब। और मैं तुम्हारे गालों को देख रहा हूँ जिसका गुलाबीपन कम हो रहा है, विलुप्त हो रहा है, फास्ट विथ रेट टू, जो कि बहुत तेज़ी से गायब हो रहा है। और मैं तुम्हारे चेहरे की गुलाबीपन को तेज़ी से कम होता हुआ या मुरझाता हुआ देख रहा हूँ। आई मेट ए लेडी इन द मीट्स, मीट्स का अर्थ होता है चारागाह। मैं चारागाह में एक भली औरत से, एक सम्भ्रात औरत से मिला था, फुल ब्यूटीफुल, जो कि संपूर्ण सौंदर्य की मालिक थी, भरपूर सुंदर थी। ए फेयरी चाइल्ड, और वह एक परी की बच्ची थी, परी की बेटी थी। हर हेयर वॉज लॉन्ग, हर फुट वॉज लाइट, उसके बाल लंबे थे और पैर हल्के थे। पैर हल्के होने का अर्थ है कि उसकी चाल मतवाली थी। तो मैं चारागाह में एक महिला से, एक औरत से मिला जो कि बहुत ही सुंदर थी, बहुत ही खूबसूरत थी, और एक परी की बेटी थी। उसके बाल लंबे थे और चाल मतवाली थी। एंड हर आईज वेयर वाइल्ड, और उसकी जो आंखें थीं जंगली थीं, मतलब नसीली थीं, यहाँ पे उसका अर्थ होगा कि उसकी आंखें नसीली थीं, मदहोश करने वाली थी। आई मेड ए गार्लैंड फॉर हर हेड एंड ब्रेसलेट टू एंड फ्रेग्रेंट जोन। गार्लैंड का अर्थ होता है माला, ब्रेसलेट मतलब कंगन, और फ्रेग्रेंट जोन का अर्थ है सुगंधित करधनी। मैंने उसके सिर के लिए एक माला बनाया, एक कंगन भी बनाया और एक सुगंधित करधनी भी बनाया। सी लुक्ड एट मी एज सी डिड लव, उसने मुझे कुछ इस तरह से देखा जैसे कि वह मुझसे प्यार करती हो। एंड मेड स्वीट मून, और उसने एक मीठा कराहने का आवाज़ निकाला। एक कराह होती है जिसमें तकलीफ दिखती है, और एक कराह होती है जिसमें एक आनंद की लहर होती है। तो उसने स्वीट मून किया, मतलब एक आनंदित स्वर में कराही। आई सेट हर ऑन माई पेसिंग स्टीड, स्टीड का अर्थ होता है घोड़ा, पेसिंग स्टीड का अर्थ है तेज रफ्तार घोड़ा। मैंने उसे अपने तेज रफ्तार घोड़े पर बैठाया। एंड नथिंग एल्स सॉ ऑल डे अलोंग, और उसे दिन भर सिर्फ देखने के अलावा कुछ भी नहीं किया। सरदार का जवाब था कि मैं उस परी को अपने तेज रफ्तार घोड़े पर बैठाया और दिन भर सिर्फ देखता ही रहा और कुछ नहीं किया। यहाँ पे सोचने वाली बात है कि क्या कुछ नहीं किया। फॉर साइड लॉन्ग वुड सी बेंड एंड सिंग, साइड लॉन्ग का अर्थ होता है एक तरफ, वह एक तरफ झुक जाया करती थी और गाना गाती थी। झुक जाना और गाना गाना का भाव है कि वह पूरे समर्पण के साथ, पूरा समर्पित होकर गाना गा रही थी। ए फेयरी सॉन्ग, एक परी गीत, वह एक तरफ झुककर एक परी गीत गाया गा रही थी। शी फाउंड मी रूट्स ऑफ रेलिस स्वीट्स, उसने मेरे लिए स्वादिष्ट कंदमूल, मीठे कंदमूल लाए। रूट्स का मतलब होता है जड़, रेलिस मतलब स्वादिष्ट, स्वीट मतलब मीठा। तो वह मेरे लिए मीठे कंदमूल लाई। एंड हनी वाइल्ड, और जंगली शहद भी लाई। एंड मना ड्यू, और उस दिव्य, कुछ दिव्य तरह के भोज्य पदार्थ भी दिए जो द्रव के रूप में थे। मन्ना ड्यू का अर्थ है दिव्य द्रव,
जो पिया जाए, पेय दिव्य पेय कह सकते हैं, तो उसने जंगली शहद दिया और दिव्य पेय पदार्थ भी दिया। एंड श्योर इन लैंग्वेज स्ट्रेंज सी सेड आई लव दी ट्रू, और उसने निश्चित ही एक अनजानी भाषा में कहा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। शी टुक मी टू हर एल्फिन ग्रॉट, एल्फिन ग्रॉट का अर्थ है रहस्यमयी जादुई गुफा, वह मुझे अपने रहस्यमयी जादुई गुफा में ले गई। एंड देयर सी वेप्ट एंड साइड फुल सोर, और फिर वहाँ पे वह रोई, आहें भरी जोर जोर से। वेप्ट मीन्स रोई, साइड मतलब आहें भरी, सोर का अर्थ है जोर जोर से। एंड देयर आई सट हर वाइल्ड वाइल्ड आइज विथ किसेस फोर, और मैंने वहाँ पे उसकी नशीली आँखों को, मदहोश करने वाली आँखों को अपने चार चुंबनों से बंद किया। मैंने उसकी पलकों पे चुम्बन लिया और इस तरह से उसकी आँखें बंद हुई। एंड देयर सी लर्ड मी ए स्लीप, और फिर उसने मुझे एक मीठा गीत, एक लोरी सुनाकर सुला दिया। लर्ड का अर्थ होता है लोरी, तो लोरी तो बच्चों को सुनाई जाती है, तो उसने मुझे एक मीठा गीत सुनाकर सुला दिया। एंड देयर आई ड्रीम्ड आ ऊ बी टाइट, और फिर मैंने एक स्वप्न देखा, और मैंने स्वप्न में देखा कि ओ सर्वनाश हो गया। ऊ बी टाइट का अर्थ है सर्वनाश। द लेटेस्ट ड्रीम आई एवर ड्रीम्ड ऑन द कोल्ड हिल साइड, यह मेरा सबसे नवीनतम स्वप्न था जो मैंने हाल में ही देखा और इस ठंडी पहाड़ी के किनारे पर देखा। आई सॉ पेल किंग्स एंड प्रिंसेस टू, मैंने कुछ पीले पड़ चुके हुए राजाओं और राजकुमारों को देखा जो पीले पड़ चुके थे। पेल वॉरियर पीले पड़ चुके योद्धाओं को भी देखा स्वप्न में। डेथ पेल वेयर दे आर, वे सभी इतने पीले पड़ चुके थे जैसे कि मृतप्राय हों। द क्राइड ला बेली डैम सेंस मर्सी हैथ दी इन थ्रॉल, वे सभी चिल्लाए कि इस निर्दयी औरत ने इसे भी अपनी जाल में फंसा लिया। हैथ का अर्थ होता है फंसा लेना, थ्रॉल का अर्थ होता है गुलामी या जाल। तो वे सभी चिल्ला के कहे कि इस निर्दयी औरत ने इसे भी अपनी जाल में फंसा लिया। आई सॉ देयर स्टार्व्ड लीव्स इन द ग्लूम, स्टार्व्ड लीव्स का अर्थ है भूखे ओठ। मैंने अंधेरे में उनके भूखे ओठों को देखा, ग्लूम का अर्थ होता है अंधेरा। विथ हॉरिड वार्निंग गैप्ड वाइड, और वे ओठ या उनके ओठ बहुत ही फैलकर, बहुत ही चिल्लाकर मुझे एक खतरनाक चेतावनी दे रहे थे। हॉरिड का अर्थ है भयानक या खतरनाक, वार्निंग का अर्थ है चेतावनी। तो मैंने देखा अंधेरे में उनके भूखे ओठों को, वे सभी फैलकर तेजी से चिल्लाकर मुझे एक भयानक चेतावनी दे रहे थे। एंड आई अवोक एंड फाउंड मी हियर ऑन द कोल्ड हिल साइड, और फिर मैं उठ गया और मैंने अपने आप को यहाँ पे पाया, इस ठंडी पहाड़ी के किनारे। एंड दिस इज व्हाई आई सोजर्न हियर, सोजर्न का अर्थ होता है निरुद्देश घूमना, और यही कारण है कि मैं यहाँ निरुद्देश घूम रहा हूँ। एलोन एंड पेलेली लोटरिंग, अकेला और बिना किसी उद्देश्य के। दो द सीज हैज विदर्ड फ्रॉम द लेक एंड नो बर्ड सिंग, जबकि झाड़ियाँ भी सरोवरों से सूख चुकी हैं और पक्षी भी गाना नहीं गा रहे हैं, फिर भी मैं यहाँ अकेले और पीला पड़ चुकने के बाद भी बिना किसी कारण के घूम रहा हूँ और यहाँ पे निरुद्देश भटक रहा हूँ।